ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर है तो ये संयोगवश है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इस कहानी के दौरान किसी भी तरह के अंधविश्वास और काले जादू को हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। साल 1965 में सरकार गेमिंग एक्ट लेकर के आई, जिससे पौंडीचेरी में जुआ पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। लेकिन जो लोग इसके आदि हो चुके थे वो चोरी छिपे इस गेम को खेलने की जगह ढूंढते थे, और इस गेम को खेलने के चक्कर में 52 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जब सरकार पर दबाव पड़ा तो पूरा पुलिस महकमा उनकी छानबीन में लग गया और पौंडीचेरी का कोना कोना छान मारा। समंदर के किनारे वाले फ्रेंच बंगलों में खेला जा रहा है। इस गेम में भाग लेने वाले 52 प्रत्याशी अभी तक गायब हैं। ये जानकारी गांव वालों को भी हो चुकी है। वो लोग क्या से हैं और वो लोग हथियार लेकर भागने की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए बहुत लोग हमारे जाल में फंस जाते थे। चल पहले चाबी ढूंढते हैं, फिर सारा पैसा लेकर निकल जाएंगे। देखने में तो हमारा खेल बहुत सिंपल है, लेकिन कोई आया क्या? यहाँ कोई नहीं है। हमारे लिए ये खेल कोई बटर नहीं है, बस एक खेल है जिसमें सामने वाला बच के भाग। मेरी अंधी माँ के साथ मेरी पूरी फैमिली की हॉबी है इंसानों का शिकार करना। We are hunters, और स्टेज में जीत और हार सामने वाले के लक पे निर्भर करता है। और अब क्लारा दो कार्ड फेंकेगी। एक कार्ड पे विन लिखा होगा, दूसरे कार्ड पे रन लिखा होगा। अगर कार्ड पे विन आया तो यू आर विनर, और अगर रन आया दिस इज विन, दिस इज रन। विन रन रन विन, क्या सोच रहे हो? विन रन रन विन, चूज। रन सर, पैसे के लालच में मैं यहाँ पर आ गया था, मुझे जाने दो सर, प्लीज सर। अभी तक जो भी यहाँ से जीत कर गया है उसे मैंने करोड़ों रुपए दिए हैं। मैंने तो चीटिंग नहीं की, प्लीज। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं रूल्स की इज्जत करता हूँ। रूल इज अ रूल, I always respect the rule. मेरे बेटे ने रूल तोड़ा था, मैंने अपने बेटे को भी मार दिया। अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? सर, प्लीज मुझे छोड़ो। मैं अपना रूल कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैंने अगर रूल तोड़ दिया तो ये खेल ही खत्म हो जाएगा। ये हमारे पुरखों का भी मानना था। गलती कहां पर हुई?
हम में से किसने रूल तोड़ा? बताओ कौन है? हो चोरी करते हैं, ऐसे लोग ही टूरिस्ट का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सर, नीचे से गिर जाएगा, आप ऊपर वाली में रखे सर। थैंक यू सर। अरे पुलिस आ रही है, भागो। इसको बोल दो पुलिस आपके पीछे पड़ी है, जल्दी भागो। सर मैं नहीं हूँ प्रोफेसर, इधर उधर क्या देख रहे हो, पुलिस आ रही है, भागो। ए, ये चोर है, पकड़ो इसे। इसीलिए इसने मोबाइल ऊपर रखवाया, मुझे गिफ्ट मिला था और ये चुरा के ले गया। हाय के तुर पिता दुल्हा प्रोफेसर, मैं तुझे फंसाना चाहता हूं। तो फंसा दे, चलो। वेलकम वेलकम। हमारे इस एंटिक शॉप में ना धातु के गणेश जी हैं और सिल्वर के चीजस हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए। सर आप क्या देख रहे हैं? जीप आ रही है क्या? देख रहे हैं जीप? नहीं नहीं, यहाँ से सामान ले जाने के लिए जीप आ रही है, हम लोग तो उसका इंतजार कर रहे हैं। ओ, आप इतना सारा सामान खरीदना है? हाँ ठीक है, अंदर और भी सामान है, आप देख लीजिए। इतना बढ़िया है कि लॉरी लानी पड़ेगी आपको। हाँ, मैं तुझे कहता था दुकान बंद होने के बाद आना, इतना जल्दी क्यों है? प्रोफेसर जल्दी बंद कर, चलो। अरे बाप रे, क्या बात है राजा, ये तो नाक से खींचने वाला माल है। नमस्ते बेबी। क्या बे? एक बहुत बड़े आदमी की टिप लाया हूँ, पॉन्डिचेरी का सबसे अमीर आदमी। बार, वाइन शॉप, लॉज, बहुत सारे बिजनेस में है और सारा पैसा कैश में आता है और वो पैसा वो अपने घर के लॉकर में ही रखता है। पता चला है कल उसके बेटे की शादी है, घर में गोरखा और कुत्ते के अलावा कोई नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर प्लान बनाकर काम करेंगे ना तो पूरा पैसा अपना। ये क्या बेबी, इतनी बड़ी टिप दी फिर भी इतनी छोटी सी रकम? पहले काम पूरा होने दे, फिर देखता हूँ। ठीक है बेबी, चलता हूँ। बाय भीम। रुक जा।
उस बड़े आदमी का नाम नहीं है क्या? अनबरसू, फ्रांसिस अनबरसू। ए, जान से मार दूंगा तुझे। भाई ने तुझे कम कमीशन दिया तो तू हमें फंसाना चाहता है? ऐसी बात नहीं है भाई। चुप, बेबी भाई, आप यहाँ नए हो। ये जिसका नाम ले रहा है ना, उसकी वाइन शॉप सिर्फ दिखावे की है, और सच्चाई तो यह है कि वो बहुत बड़ा गुंडा है। पॉन्डिचेरी का एक नामचीन गुंडा, जिसकी रूलिंग पार्टी में, अपोजिशन पार्टी में और पुलिस वालों के साथ अच्छी पहचान। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ में है मधु। अनबरसू के लिए राइट लेफ्ट सब कुछ वही है। अगर वाइन शॉप या रिसोर्ट में कोई दिक्कत होती है तो संभालने के लिए वही आता है। अनबरसू के लिए पैसा ही सब कुछ है, और उसे पैसे के अलावा कुछ समझ नहीं आता। पैसों के लिए अगर किसी ने उसे धोखा दिया तो वो उसका पूरा परिवार खत्म कर देता है। अगर हमने उसके पैसे को हाथ लगाया तो समझो कि अपनी मौत का दिन नजदीक आ गया। अबे वो इतना खतरनाक है क्या? हाँ भाई, मेरा सिर्फ नाम बेबी है। वो नहीं, अबे तू मेरे से पगार लेता है और मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहा है? तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। चल निकल, कल अपन लोग उसको निपटाएंगे। प्रोफेसर, हर एंटीक शॉप का बोर्ड टंगा है, अंदर तो नशे की दुकान चल रही है। अच्छा, लाइफ टाइम सेटलमेंट, अपना अच्छा टाइम आने वाला है। हाय के तू रपिता तोला। सब कुछ देख लिया ना? हाँ, सब देख लिया। हाँ तो बताओ क्या खरीदना है? कल लारी लेके आऊंगा, सब ले जाऊंगा। कल तो दुकान बंद है ना? अच्छा हुआ तुमने बता दिया, नोट कर ले, कल दुकान बंद भी है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। अरे कल मत आना। हाँ ठीक है। अरे कल हम लोग यहाँ है ही नहीं, परसों आओगे तो चलेगा। तब तक तुम रहोगे? हाय के तू रपिता, प्रोफेसर ने कहा कि चलो चलते हैं। चलो अपन रात को ही शहर से कट लेते हैं। प्रोफेसर, शहर छोड़ के हम लोग क्यों जाएंगे? तू पागल हो गया क्या? कल सुबह यहाँ बड़ा शिकार हमारा इंतजार कर रहा है। हेलो एवरीवन, पॉन्डिचेरी का नाम लेते ही बुजुर्ग लोगों का आश्रम, जवान लोगों के लिए वाइन शॉप और लवर्स के लिए बीच बहुत मशहूर है। और इन सब के अलावा पॉन्डिचेरी में और एक बात मशहूर है, आप जानते हैं वो क्या है? पहले फ्रांस जाने के लिए लोग फ्रेंच लड़की से शादी करते थे, लेकिन अब फ्रांस जाने के लिए लोग फ्रेंच लड़की को पैसा देकर शादी करते हैं। यूजुअली लोग लड़कों को दहेज देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो लड़की को दहेज दिया गया है। दिस इज कॉल्ड मैरिज मार्केटिंग। अक्सर पॉन्डिचेरी में फ्रेंच फैमिलीज आपस में ही शादी करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ इन ब्रोकर्स के स्कैम में फंस जाती है। ये यूट्यूबर्स लोगों को हर तरह की न्यूज कैसे मिल जाती है, समझ में नहीं आ रहा है। इडली खाओ कि डोसा खाओ, डोसा खाओ कि इडली खाओ, इडली खाओ कि डोसा खाओ, इडली खाओ कि डोसा खाओ, डोसा कैंसल, इडली डालो। अरे इडली तो बहुत ठंडी है, इडली कैंसल, डोसा डालो। अरे डोसा भी ठंडा है, डोसा कैंसल, इडली डालो। अरे डोसा लेके आ रहा हूं। ठीक है मैं डोसा नहीं इडली खाऊंगा, तुम जा सकती हो। बॉस, इडली खाने के लिए भाई मान गया है। इडली के साथ में क्या है खाने के लिए? चटनी रखी हो या सांबर रखी हो? लगता है आज हम लोग इसकी शादी में नहीं पहुंच पाएंगे। चटनी नहीं, मुझे सांबर चाहिए। खाने की जरूरत नहीं है, उठ जा। लड़की वालों को फ्रांस भी जाना है, चुपचाप कार में बैठ। तुम्हारे कार से जाना है या मेरे कार से जाना है? अरे बेबी, वो निकल गया है। भाई, तू सब अभी निकले। नया छोकरा कौन है? सर, ओटीपी बोली। ओटीपी? प्रोफेसर, तुम्हारे फोन से मैंने ओला बुक कर लिए, आने जाने का सिर्फ 450 रुपया, एसी से जाने का और एसी से वापस आने का। भाई जरा एसी बढ़ाओ ना। प्रोफेसर अपनी सीट को आगे खींचो ना। भाई ओटीपी बोल दो ना प्लीज। बुकिंग कैंसल। कैंसल करोगे तो 30 रुपया कट जाएगा, चलेगा क्या? चलने से पहले ना
चल तुझे नाश्ता कराता हूँ। सॉरी करने जा रहे ना, शादी में जा रहे क्या? बोला बुक क्यों किया? चल कोई कार उठा के ला। प्रभु ने देखिए आज ये कितना सुंदर दिन बनाया है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब इकट्ठा हैं। आमीन। अब प्रभु ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली है। फोन साइलेंट पे कर। प्रभु ने अब हम सबकी प्रार्थना कौन है बे? पूछ रहे पीने का माल किधर है? पीने के लिए पूछ रहे? कहाँ पर है सब? जरा हट। अबे क्या मजाक चल रहा है? कल रात में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला था ना, डिक्की चेक कर लो। उसके बाद भी ये शादी के अंदर तुम क्या छोटी बात कर रहे हो? कार की डिक्की चेक करो ना, भाग लो। पीने के लिए मांग रहे माँ। दोस्त लोग हैं, आप टेंशन मत लीजिए। प्रभु ने देखिए हम सबकी प्रार्थना सुन ली है। अफरो असल की आज शादी। फादर। अरे अरे थोड़ी उम्र हो गई है इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या नाम बताया? बेनी और जेनिफर की शादी प्रभु के आशीर्वाद से आज संपन्न होती है। और अब किसी को इस शादी से ऑब्जेक्शन है तो हमें अभी बता सकता है। मुझे ऑब्जेक्शन है। अरे माँ, ये नॉर्मल ड्रेस में भी अच्छी लग रही है, ये तो मेकअप पोत के भी भंगार है। अब मैं इसके बदले इससे शादी कर लूँ क्या? ए जी, वो जो लड़की है उसको इसके बदले एक्सचेंज कर लेंगे। ये कोई इडली डोसा है क्या? जान से मार दूंगा। ए सोफी, ये सब क्या चल रहा है? आप चुप करो माँ। अंकल पॉन्डिचेरी के इतने बड़े आदमी है, अब इनके घर का फंक्शन इतना सिंपल कैसे हो सकता है? बताओ ना, कोई सेलिब्रेशन ही नहीं है। आप ही बताइए आंटी, जब आपकी मैरिज हुई थी तो इतनी बोरिंग हुई थी क्या? अरे अब क्या बताऊँ तुझे, बहुत ही ग्रैंड तरीके से हुई थी। स्टेज पर तो इन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। बताओ बेटा, हमें क्या करना चाहिए? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अंकल, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है, बस आपकी परमिशन चाहिए मुझे। कैरी ऑन। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर शादी में रील्स बनाने में बिजी सारी यंग लेडीज। यहाँ दूल्हा दुल्हन का बैनर लगेगा और उसके आसपास लगेंगे चाहने वालों के बड़े बड़े फोटोज। और जो रिश्तेदार 500 रुपए चिपका कर आइसक्रीम खाकर यहाँ से जाने की सोच रहे हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं, ये आपके लिए है। बीच की वेडिंग पार्टी, लगाओ रे फ्रेंच तड़का। Go ahead.
मंगाया था अभी तक सिर्फ आधा ही पेमेंट मिला है। बोलो इतने कम में कैसे होगा भाई? ओए, अगर हम उससे पैसा मांगेंगे तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो हमारी ही बैंड बजाएगा। तुझे कुछ दिया है तो खुशी मना और शांत रह, अच्छे से सोमरस पी और पी के कहीं लुढ़क जा। ए, क्या रे, काहे के लिए बार बार फोन कर रहा है? जिन लोगों ने साथ में काम किया वो पैसा मांग रहे हैं। तुम लोगों ने भी तो साथ में काम किया, पैसा दिया गया है। क्या बकवास कर रहा है, किसने पैसा मांगा तुझसे? ए सतीश, मैं लोकल मैनेजर मनोहर हूँ, भूल गया क्या? हाँ, अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ, बोलो ना। अच्छा पिछले महीने तूने मुझसे क्या कहा था, अगर मैं 1 तारीख को पैदा हुआ रहूंगा तो तू पेमेंट करेगा? लेकिन आप तो 5 तारीख को पैदा हुए थे, फिर कैसे दे सकता हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, जेल पे मत लो भाई। ए रीता, किधर जा रही है? स्टेज पर जा, ऑल द पीपल कमिंग इनसाइड। अब मैं भी इंग्लिश सीख गया हूँ ना। उजड़े चमन, थोड़ा इंतजार करना। एक बार यहाँ की शादी कंप्लीट हो गई ना, दूसरा सतीश की शादी होगी और ये पेरिस में जाके सेटल हो जाएगा, फिर वहाँ से भेजेगा रोकड़ा यूरो में। तेरी शादी कन्फर्म है ना? हे सूफी, क्या हो गया तुम्हें? भाई लड़की भागी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो ही था ना जिसने कहा था कि लड़की वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें 25 लाख रुपए दे दो, मारो। सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सर। क्यों, ताकि तुम भी भाग जाओ? मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी खो गई माँ, तुम लोग 25 लाख के लिए मेरे साथ खेल रहे हो क्या? तो फिर मैं अब क्या करूँ? लंच में रवा उपमा बनाना, ये तो उसकी बहन है ना, ये तो शादी के लायक हो गई है, इससे ही शादी कर लेता हूँ। इससे बोलो शादी का जोड़ा पहन के आए, अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिट हो जाएगा। अरे अरे अरे, इसकी शादी तो रुक गई, अब मेरे पेमेंट का क्या होगा? अबे तेरा टेप रिकॉर्डर दोबारा चालू हो गया, चल चल। सिर्फ सांसों का थम जाना ही मौत नहीं होती, अपनी बसंत को खोना भी मौत ही है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में। सतीश, ओ रहते हो मेरी इन सतीश, दरवाजा खोल यार। क्या है यार, जिसने ये गाना गाया ना वो भी इतना तेज नहीं सुना होगा, ये कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गया है ना। आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अबे मैं कब से बोल रहा हूँ, अबे इस गाने की बीट तो बाहर तक आ रही है। ये कोई गाने की बीट नहीं है, पीछे के डीजे से आवाज आ रही है। अरे रे, तूने दूल्हे को किडनैप कर लिया? यार डायनासोर के बेटे को उठा के डिक्की में डाल दिया, अगर उस डायनासोर के हाथ में तू लग गया तो क्या होगा, पूरा पौंडीचेरी उसके नाम से डरता है। अबे तुम लोग मेरे को बहुत हल्के में ले रहे हो। अबे प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, जरा सोच लेना यार। क्यों फालतू में डर रहा है रे? अबे डरपोक रोज मरता है, हिम्मत वाला एक ही दिन मरता है, आज वो दिन है, जो होगा देखा जाएगा। फिर ठीक है तू अकेले जा और मर, और हम लोग को उतरने दे। चल बे। कौन हो गए तुम लोग? तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ? मुझे छोड़ दो, आज मेरी शादी है। अबे सच में तुम लोगों को पता नहीं मैं कौन हूँ? अबे घोंटू ज्यादा ज्ञान मत है, तुझे पता है क्या मैं कौन हूँ? जिप्पी मुद्दू है। अच्छा वो जिप्पी मुद्दू के लगे। अबे खोलो ना यार, आज मेरी शादी है। ए, ये सब क्या चल रहा है यार? हेलो बेटा, तू कहाँ पर है? माँ को छोड़कर तू कहाँ चला गया? जल्दी घर आ जा बेटा। आंटी आंटी रोइए मत, आप आंसू पोंछ लीजिए। आंटी मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो तू कौन है? मैं बताऊंगा कौन हूँ तो आप चिल्लाओगी थोड़ी ना। मैं वही हूँ जिसने आपके बेटे को किडनैप किया है। देखो इसने मेरे बेटे को। आंटी आंटी बोला था ना चिल्लाना नहीं। कौन है बे तू और कहाँ से बोल रहा है? मैं कौन हूँ, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ व्हाट्सएप पे भेज दूँ क्या? ए, अगर तू मेरे हाथ में लग गया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े। यार मैंने सोचा था खाली तेरा बेटा पागल है, तू तो उससे भी बड़ा पागल है रे। चल फोन आंटी को दे, तेरे साथ बात करके। फोन इधर लाओ,
सुनो बेटा, मेरी बेटी को कुछ मत करना बेटा। आंटी, मुर्गे को काट के ड्रम में डालो तो जैसे वो फड़फड़ाता है ना, वैसे कार की डिक्की में आपका बेटा फड़फड़ा रहा है। इसलिए जल्दी से 25 लाख रुपए लेके यहाँ पर आ जाओ। बेटा 25 की क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी मेरे बेटे को। ये हुआ ना माँ का प्यार। आंटी ठीक है, आपने बोला तो 50 लाख अरेंज कर दो, थोड़ी देर में बताता हूँ कि वो पैसे कहाँ लेके आने। यस, 25 लाख देकर अरे बाबू, ए भाई कोई अपनी कार लेके भाग रहा है। अबे रुक रुक रुक, अबे गाड़ी रोक, कहाँ लेके जा रहा है। कार की डिक्की में इतना आराम से लेटा है। ये खिलाड़ी का बच्चा कौन है यार, अपने प्रोफेसर को मार के भागा। ए, आराम से आ जाओ, आराम से। माफ करो भाई, धीरे से बंद कर। को बोला था ना धीरे से करो, अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ला 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 ला। पैसा कितना है? कहाँ पैसा? सारा बाक्स काम है। इन खाली डब्बों को चुराने के लिए हम लोग आस बन जाएंगे। धरती के बोझ, ये क्या कर रहा है? मेरे पास मास्क नहीं है ना, तो इसीलिए फोटो से चेहरा छुपा रहा हूं। अबे तू फंसेगा तो मुझे भी फंसा देगा क्या? तुझे क्या चाहिए? प्रोफेसर, आपने कमाल कर दिया प्रोफेसर। कोई तेरा चेहरा देख लेगा, चल निकल यहाँ। बोलना, अपनी गाड़ी देख के दो। ए, देख गाड़ी किसने चुराई है, मैं पहुंच रहा हूँ। कल तो ये सब बॉक्स भरा था, आज सारा बॉक्स खाली क्यों हुआ है? पैसा किधर है? ए, मेरे पास कुछ नहीं है, सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ए, प्रोफेसर को गुस्सा मत दिला, अगर दिमाग घूम गया ना तो तू बचेगा नहीं। ये भोजू तेरे से नहीं डर रहा, चल हट, नया मत खा। ये देख ले, पैसा दे रहा है नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। ये सब करने के लिए मैं बैग मास्क खरीद कर लाया यार। तो? कम से कम खाना खाने के तो पैसे दे दे प्लीज यार, 500 ही दे दे। नहीं दूंगा। अगर तू नहीं देगा तो तेरा भेजा खोल दूंगा। रुक जाओ, बॉस को शूट मत करना, तुझे सिर्फ 500 रुपए ही चाहिए ना? यार तो मैं देता हूँ ना। आप चुप रहिए ना बॉस, 500 रुपए के लिए इतना नाटक मैं आपको नहीं मरने दूंगा। ओह माय गॉड, चलो 500 काट लो और बैलेंस 1500 रिटर्न करो, ओके ना? ये तुम लोगों ने सही नहीं किया, बात तो सिर्फ 500 की हुई थी ना। बॉस आप चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे बाप रे, इतना सारा माल, कैश, साथ में ज्वेलरी। इसमें क्या है? छोटी छोटी थैली में। अरे यार देख, इसमें भी कैश है, ले पकड़ पकड़। 4, 8, 12, ले
ये ले तू 25 लाख रुपया और अपनी गर्लफ्रेंड को दे और उससे शादी कर ले, नहीं तो वो दूल्हा बदल लेगी। जाना जा। नहीं यार, ये किसके पैसे हैं, अपन कैसे ले सकते हैं? अबे तुझे क्या लेना देना, भगवान कुबेर ने गूगल पे से दिया है, तू जा उसको दे और अपना मैटर सॉल्व कर, मैं तो बैंकॉक जा रहा हूँ। अरे तू बैंकॉक जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तेरे लिए प्लास्टिक की चेयर खरीदता हूँ, तू एटीएम के बाहर बैठना। अबे इतना पैसा अभी क्या सोच रहा है? ये लाख तो होगा ना? ये लाख नहीं, कम से कम करोड़ होगा, समझा? हे हाय, पैसा कमाना सच में बहुत मुश्किल है। ये देखो, ये रहे तुम्हारे 25 लाख। इतने सारे पैसे इतनी जल्दी तुम्हारे पास कैसे आए? मुझे भी नहीं मालूम कि ये पैसे मेरे पास कैसे आए। लेकिन एक बात तो सच है कि हम दोनों अलग नहीं हो सकते, ये भगवान की भी मर्जी है। थैंक गॉड। ये पैसे जाकर अपनी माँ को दे देना और सारा मैटर सॉर्ट आउट कर देना। थैंक यू सो मच। हेलो, मकान के मालिक। अगर मैं तेरे को 1 लाख दूंगा तो तू तेरा नाम बदल लेगा क्या? तू कैसे बात कर रहा है? अबे तुझे पता है तू अपने किराएदारों से कैसे बात करता है? हम लोग उतने बुरे नहीं है, इसलिए शांति से सुन। अगर मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा तो तू तीसरी मंजिल से कूद जाएगा, तेरा अंतिम संस्कार धूमधाम से करूंगा। ए, अगर ये मर गया तो सतीश को कौन बताएगा अपने ले पौंडी ट्रिप के बारे में? अच्छा, ऐसा है? हाँ, तो मिस्टर घुंचू मालिक, मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? लगता है गुस्से में फोन काट दिया। अरे भाई, पुलिस है यार। अरे बाप रे, कार की डिक्की में तो कैश पड़ा हुआ है। तो अब क्या करें, गाड़ी रिवर्स लूं क्या? ए, वो हमको बुला रहा है। ए, रिवर्स लिया तो शक हो जाएगा। तूने राइट में क्यों मोड़ लिया? तूने ही तो बोला कि रिवर्स लूंगा तो उसे शक होगा। राइट में मोड़ लिया तो शक नहीं होगा क्या? तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। तू किसी काम का नहीं। हे भगवान, वो लोग तो पीछे पड़ गए। अबे इधर से मुड़ जा। अरे भगा रहा हूँ ना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। तूने ब्रेक क्यों मारा? डेड एंड है यार। अबे अकल के अंधे, नीचे देख, पानी की बोतल है ये। सॉरी यार, तेरे बाप ने कभी पानी की बोतल से गियर डाला था? चल रिवर्स ले, अबे ले ना। इसकी गाड़ी में पैसा था ना प्रोफेसर? हा? मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया दूं क्या? बोल ना। हम इसका पीछा करके इसको पकड़ते हैं। हा? तो सारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा। हा? हा? ए, उसकी गाड़ी किधर गई? अपन दोनों बात कर रहे थे, वो निकल गया। प्रोफेसर, ए फूलगोभी, तू गेट को छोड़कर पागल की तरह घर में क्यों घूम रहा है? बॉस के चड्ढे पर जो टॉयलेट लगा है सब लोग उसी को देख रहे हैं। मैम, हे भगवान, उनका तो दिमाग खराब है। तुम लोगों के पास भी दिमाग नहीं है क्या जो इनको घेर कर खड़े हो? इसमें ऐसा कौन सा चांद लगा है जो तुम इसे बिछा कर देख रहे हो? पैंट है ये, इतना कीमती है कि सबको बुलाकर दिखा रहे हो। तुम्हारे पास इस ब्रांड की पैंट नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ ये उसी आदमी की पैंट है जिसने हमारे यहाँ चोरी की। तो क्या इसे धोकर इस्त्री करके रख लूँ? बुढ़े हो गए हो लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे जा रहे, अपना काम करो। ऐसे चल रहा है जैसे खाला के घर में घूम रहा है। चल जा। हाँ बेटा, क्या खाएगा मेरा राजा बेटा? किसके परमिशन से मेरी शादी रोकी? मैं उसी से शादी करूँगा। मैं पहले ही अपने पैसे खो चुका हूँ, बोल इज्जत से चुपचाप बैठे। क्या ये पैसा तुम मेहनत से कमाए थे? वाइन शॉप में हर बोतल के पीछे 50 रुपए एक्स्ट्रा काय को लगाते हो? अन्याय करते हो ना, इसलिए चोरी हो गया। देखो बाहर आ गया। जली ना, जली ना। नमस्ते साहब।
मधी ने मेरे को सब बताया। पैसा तो ब्लैक है ना, मैंने अपने लोगों से अनऑफिशियली सारे चेक पोस्ट पे चेक करवाया, पैसा शहर से तो बाहर नहीं गया। बॉस, लोकल लोगों को मैंने धंधे पे लगा दिया है, उनको थोड़ा अब उनको पैसा देना पड़ेगा। मल्लिका जरा पैसे लेकर आना। पैसे तो वो सब लेकर गए ना, अब कौन से पैसे बचे? लड़की वालों ने जो पैसे वापस किए थे ना, वही लेकर के आ जाओ। हाँ लाती हूँ। ये लो। मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा मधी। हाँ ये रुको, जरा देर दो मधी, ये तो अपने वाइन शॉप का कलेक्शन है। हाँ बॉस। ये आप क्या कह रहे हो, ये तो लड़की की माँ ने वापस लाकर दिया था। इसकी तो सोफी लोगी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, बताओ ना। ये लोग कह रहे हैं तुमने पैसे चुराए। ये नौटंकी बंद करो, तुम लोग क्या आपस में बकवास कर रहे हो? सर इसे छोड़ दीजिए सर, इसने कुछ नहीं किया सर। सर सोफी बताना। सतीश, हाय ओनर ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। हेलो भाई, ये इतने सारे कपड़े आप खुद क्यों धो रहे हो? क्या है, घर पे कोई है नहीं ना? अच्छा, जो पहने हुए ना उसको निकाल कर धो मत देना, क्योंकि मैं भी आ गया हूँ। हाय डार्लिंग, ए क्या हुआ? मेरे पैसे चुरा कर मुझे ही लौट। सर सर मैं आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। सर मेरी बात तो सुनी, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं पैसे आएगा। भाई ये संकी और रवि किधर गए? वो दोनों तो कल रात से ही वापस नहीं आए। कल रात को उन्होंने मुझे फोन किया था, पूछ रहे थे कि 3 लाख देंगे तो तीसरी मंजिल से कूदेगा। लगता है दोनों पागल हो गए हैं। हेलो, हाँ बॉस सतीश, तेरे दोस्त लोग यहाँ पर हैं, तू आ रहा है कि नहीं? आया आया, अभी आया सर। ये सब इनके पास से निकला है। कितना दूर सर? स्टेशन से बेल का 3,000 रुपया, इन दोनों का 500-500 रुपये, टोटल 4,000 रुपये। 4,000 रुपये निकालो, चल यहाँ साइन कर दे। नमस्कार साहब। सर वो एक दो बोतल ले लूँ क्या? ए चलना। अरे अपनी ही है यार, वो वाइन शॉप के चिल्लर लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया, इसीलिए तो इनके चिंगुल में फंस गए। ए, वो सब ठीक है, पैसे किधर है? सतीश वो पैसे ना, अभी से बता। जब पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी ना, तब हम बहुत डर गए थे। फिर वहां हमने लाइट हाउस की रोशनी में एक बंगला देखा। ए सनकी, वहां देख रहा है? दूर जाना है? यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आएगा, बस वहाँ जाने के बाद लेफ्ट लेना है। लेफ्ट की राइट? राइट राइट नहीं, मतलब लेफ्ट में लेने के बाद राइट में दिखेगा। जाओ जल्दी पैसे लेके आओ। हे
अबे भाई बैग कहाँ गया? ए, अरे यार अच्छे से देखना। देखा तो सही, नहीं है। अरे यही तो रखा था। अबे कैसे हो सकता है? सतीश पैसा यहाँ से गायब हो गया। अबे ठीक से देखना, सच में यार यहीं पे रखा था, अभी नहीं है। हे सनकी, ये इधर देख, लगता है कोई अपना बैग खींच के अंदर ले गया है। हाँ यार, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे पता नहीं कौन लेके गया। बहुत अच्छी एक्टिंग है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। वैसे आइडिया था किसका पैसे अंदर ले जाने का? इसका कि तेरा? सच में हमने पैसे को हाथ नहीं लगाया। ए, चल चुप ना, मजाक बंद करना, बता ना पैसा कहाँ है। यार तुझे हम पर यकीन नहीं है? ए, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी मुसीबत में पता है क्या? तुम लोग ना एक्टिंग बंद करो और चुपचाप बताओ पैसे कहाँ है, नहीं बताएगा। कसम, सच में हमें कुछ नहीं पता। ओए अबे खाली बंगला है, कौन आके लेके जाएगा? अरे यार ऊपर से हमें कोई देख रहा था। ए सतीश अंदर मत जा, मेरी बात सुन। ए सतीश मत जा यार, जाने दे यार। अबे क्या कर रहा है? अबे मना करना इसे। पुरानी फिल्मों में देखा है कि दरवाजा खुद से बंद हो जाता है तो वहां पक्का भूत होता है। ओए दरवाजा धीरे से नहीं बंद कर सकता? ए, ये मैंने बंद नहीं किया, अपने आप हुआ है। अरे बाप रे क्या हुआ? ए सतीश कुर्सी अपने आप हिलने लगी यार। अबे उसको मैं ही हिला के आया। सनकी इसको चुप करा, नहीं तो उठा के कुछ मार दूंगा। भाई तो चुप रहना यार। वहां जाके देखना। ए और तू इस तरफ देखना। लग जाओ, चलना। सतीश वहां पर बचा, वापस बचा यार। सतीश बचा, मेरी बात सुन, वापस आ। छोड़ ना रे भाई, क्या कर रहा है? मत कर यार। ये क्या यार, भूत ने काली चड्डी पहनी है? सफेद चड्डी जल्दी गंदी हो जाती है ना, इसलिए काली चड्डी पहन के खड़ा है। क्या भाई लोग डर गए क्या? हाँ भाई, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए, वो छोड़ो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे पागल भूत घूमते हैं, जाओ जाओ घर चले जाओ। भाई हमारा बैग वापस करो। हाँ। कौन 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 सा बैग, क्या बात कर रहे हो? जाओ यार यहाँ से, बैग वापस करो।
ये तो अपना ही बैग है ना। हाँ यार। चलो बाहर निकलो। अब आया कुछ समझ में? भाई मुझे कोई पंगा नहीं करना, वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड फंसी हुई है, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। क्या बोला? मेरे पैसे? ये पैसा तमने कहां से चुराया मैं सब जानता हूँ। अब बता। जब पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी ना तब हम बहुत डर गए थे, फिर वहाँ हमने लाइट हाउस की रोशनी में एक बंगला देखा। उस बंगले के आगे जो खटारा कार खड़ी थी ना, पैसे का बैग उसी के नीचे डाल दिया, किसी ने नहीं देखा। तुम लोग ना इन सब को निपटा दो, बाहर बोल देंगे कि भूत ने मार दिया। मेरे अंगने में पर गेम खेलने वाले हैं। गेम? हमारा गेम वेरी सिंपल, लेकिन सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को आप फॉलो करो। रूल इज अ रूल, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द रूल। नाउ रूल नंबर वन। गेम खेले पैसे को हाथ लगाया तो एलिमिनेट हो जाओगे। नाउ रूल नंबर टू। गेम खत्म किए बिना भी अगर बाहर गए तो एलिमिनेट हो जाओगे। गेम शुरू करें। वेलकम बैक टू विन और रन। अगर तुमने ये गेम जीत लिया तो तुम्हारा पैसा 50 गुना ज्यादा हो जाएगा और गोल्ड कॉइन भी साथ में दिया जाएगा। हमारा गेम बहुत सिंपल है, यहाँ एंट्री डोर से अंदर जाना है और एग्जिट डोर से बाहर जाना है, लेकिन एग्जिट डोर की की इस बंगले में कहीं छिपाई गई है। और तुम ये की परिवार वालों को जाने बिना ही हासिल करनी है, ये याद रखना। की कहाँ मिलेगी उसका क्लू?
देखो इसके पास हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, लेकिन उसमें जान नहीं है। बताओ है क्या? ये तो थाला का डायलॉग है। अबे घोंचू थाला मत बोल, एक ही बोल। ओके ओके नहीं एक ही। सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास, अगर नहीं बता पाए तो तुम सब के सब एलिमिनेट हो जाओगे। तुम्हारा समय शुरू होता है। बिना मतलब के मुझे कंफ्यूज मत करो यार। किसमें जान नहीं होती? अरे मैं करो इतना बड़ा क्या होता है? वो गुड्डा है। करेक्ट आंसर। गुड्डा सही जवाब कि उसके अंदर है, लेकिन गुड्डा है कहाँ? राशन को पता न चले छुपा छुपी का गेम शुरू होगा। तुम लोग चाबी ढूंढो। लेवल 1। छुपा छुपी याद है? याद करो अपने स्कूल के दिन। नाउ गो सर्च। बॉस मेरे को भरोसा नहीं है कि वो लड़का पैसा लेके आएगा। लेकर आएगा, पक्का आएगा। मैं इसकी उंगली काटो तो वीडियो बना उसके व्हाट्सएप पे भेज, तब वो जरूर लेकर के आएगा। बंद कर। बोस, 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 अब ठीक तो है? अब मैंने तेरे को खोल दिया, चल जा तू यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर, चल जाना, इनको मैं संभालूंगा। अरे जा भाग। अबे उसको जाने दे शांति से। ये क्या कर रहा है तू? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बताऊँ मैं इसको मैंने क्यों छोड़ा? इन लोगों ने मेरी शादी रोकी है तो बदला कैसे लूंगा मैं? अब ये जहाँ जाएगी उसके पीछे पीछे जाऊंगा मैं, फिर अपने पैसे निकालूंगा और फिर खचाखच करके दोनों को ऊपर पहुँचा दूंगा। तब तक तुम इन दोनों को संभालो। ए मदी मेरे साथ में चल। वही लड़की है ना जो उसके साथ में थी? हाँ भाई यही लड़की है। अगर इसको उठा लेंगे ना तो अपन को पैसा मिल जाएगा। हम उसे अभी कैसे उठा सकते हैं? क्यों बे? गाड़ी में जगह ही कहाँ है, वो आएगी तो तुम्हारे सर पे बैठेगी क्या? तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की उधर है, चल जल्दी। हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ और तुमने मुझे बाहर फेंक दिया। प्रोफेसर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तूने कहा था इसको छोड़ेंगे तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन इसको तो कोई और उठा लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नमूना तो है ना। हाँ। अपन लोग इसको उठाएंगे, पता चल जाएगा कि कहाँ गई है। आती जो ओमनी गाड़ी जा रही है, सॉरी सामी है। इसको भी किसी ने उठा लिया। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इस गाड़ी वाले को पकड़ेंगे। ये गाड़ी वाला भी उधर ही जा रहा है, इसे पकड़ेंगे तो वो लोग मिल जाएंगे, वो मिलेंगे तो वो भी मिलेगी ना। मेरे को लगता है तेरे को समझ में आ गया। अब गाड़ी चालू कर और लाइट ऑफ कर, फिर से समझाओ क्या? तो चुपचाप बता किसको उठाना, मैं उठा लूंगा, मेरा रोज का है, और कुछ मत बोलना।
कोई बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करता है, गुस्सा हो जाएगा तो ब्रेकअप कर लेगा, तो फिर हम पैसा किससे मांगेंगे? तू फ्रॉड है ना, वो तेरे से भी बड़ा फ्रॉड है। हेलो, बोलना। किससे बात कर रहा है? हेलो, लेड बाबू लाइन पे है ना? ए, अरे वो धरती का बोझ किसी काम का नहीं है। ट्रक का हॉर्न क्यों बजा रहा है? हेलो हेलो, तेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आए, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो तुझको और इसको जान से मार दूंगा। मुझे मारेगा? ये क्या, तुझे जान से मारने के लिए बोल रहा हूँ, वो हंस रहा है? I'm in my home, the French castle. कहाँ? French castle में? लैंडमार्क तो बता। वहाँ कोई नहीं दिखेगा, चुपचाप चलते आना। वहाँ दूर से तुम्हें कुत्तों की आवाज सुनाई देगी। ऐसे तो लोग नहीं बोलती है ना। वहाँ पे डेड एंड होगा, पहुँच जाओगे फ्रेंच कैसल के पास। क्या बे, तू भूत की तरह लैंडमार्क बताएगा तो मैं डर जाऊंगा क्या? अब भी आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम, हमें और पार्टिसिपेंट्स चाहिए। प्लीज कम, प्लीज कम। ए, गूगल मैप पे फ्रेंच का शर्ट डाल तो। हाँ, ए, हाँ, बात हो गई ना। हाँ, चल फोन इधर ला। ले। हेलो, हाँ, साफ करके दे। ये पकड़। मार खराब कर दिया। ए, तू फ्रेंच कैसल चल। फ्रेंच कैसल चलना है क्या? हाँ भाई। सॉरी भाई। अरे क्यों, थैंक्स बोलना चाहिए ना। अरे कोई मुझे गाड़ी से फेंक देगा क्या? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। देखने में मैं छोटा लगता हूँ लेकिन बड़ा धमाका हूँ। सॉरी डॉग्स, मुझे माफ कर दो, गलत टाइमिंग पे राइमिंग निकल गई। अब मैं चुप रहूंगा। हाँ, देखना भाई, बिना मतलब के डरा दिया। मुझे तो लगा कि कोई भूत है। यहाँ भूत अपने साथ छुपा छुपी खेल रहा है और तुम लोग कॉमेडी कर रहे हो। ये क्या पिछोड़े में अगरबत्ती लेके घूम रहा है? ए चल खींच के निकाल। नहीं रुक जा, रहने दे, निकालेंगे तो बहुत दर्द होगा। अच्छा तो तू अभी ऐसे मोर बन के घूमेगा? जल्दी चलो नहीं तो भूत आ जाएगा यहाँ पे। अबे चल बे। Yeah.
लोग जो गुड्डा ढूंढ रहे हैं ना वो उस छोटी भूतनी की पीठ पर है। अगर हम लोग वो गुड्डा हासिल करते हैं तभी यहाँ से निकल पाएंगे। क्या बात कर रहा है, पागल है क्या? वो कोई साधारण लड़की नहीं है वो। तू तो भाई ऐसे ही बोल। अबे साधारण लड़की से उसका गुड्डा छीनेगा तो वो भूत की तरह चिल्लाती है, लेकिन ये तो ऑलरेडी छोटी भूतनी है, अगर इससे छीना तो राम नाम सत्य। हरदम नेगेटिव बात ही करता है दोस्त। तू बता क्या करना है, मैं तैयार हूँ। हम चाबी ढूंढेंगे और जीतेंगे। अब ध्यान से सुनो, मैं सामने वाले कबोर्ड में जाके छुप रहा हूँ और तू जाके सामने वाले कबोर्ड में छुप जा। ए, संगे, तू मोटर के पास जाके छुपेगा। जैसे ही वो लड़की आएगी मैं अपना दरवाजा ठोकूंगा, और जैसे ही वो मेरे पास आएगी तो तू अपना दरवाजा ठोकेगा, फिर वो तेरे पास जाने के लिए मुड़ेगी, फिर मैं अपना दरवाजा खोल के तुझे सिग्नल दूंगा तो तू मोटर ऑन कर देना, फिर मैं पाइप की मदद से उस गुड्डे को अपनी तरफ खींच लूंगा। लाइन समझ तो गए ना? ए भाई ये सब तो ओके, लेकिन यहाँ पर भूत की बच्ची आएगी कैसे? चिल्लाने से। कौन चिल्लाएगा? तू चिल्लाएगा। मार खाएगा, चुपचाप ऑन कर। अरे बिना मतलब के मुझे आंखें दिखाए जा रहे हैं? मैं कर तो रहा हूं, अगर ये चल नहीं रहा तो इसमें मेरी क्या गलती? इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना, चेक करता हूं। ए, हाथ छोड़ मेरा, मैं चल तो रही हूं ना। तकिए तो मुझे खींच रहा है। फर्नांडिस फैमिली। तुम्हारा खराब है, फोन बेल का छोड़ ना। बोल ना, अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं इसकी वोट लगा दूंगा। भाई निकाल नहीं रहे थे, दबा रहे थे। आया भाड़ा, लड़की कहाँ गई? हाँ भाई कहाँ गई वो? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू मुझसे पूछ। प्रोफेसर लड़की को छोड़ो, वो देखो बाल पड़ा है। वाह, तुम लोग पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? इधर ही रुको। रुपया, पैसा, बड़ी बड़ी। लगता है यहाँ पर कुछ खतरा है, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। डरपोक लोग, लाइट के तार पे कौवा बैठ गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखा ना, कौवा उड़ गया। Oh!
ठीक करना आता है? अबे 5 मिनट तो देना यार। चुपचाप बोल नहीं सकता कि नहीं आता? इस कचरे के पीछे कब से अपना दिमाग लगा रहा है? अब इसे किस करेगा क्या? इतनी मुश्किल से गुड्डा हाथ लगा था, ऐसे ही फेंक दिया। मैंने सिर्फ गुड्डा फेंका था, लेकिन चाबी निकाल ली। ये रही चाबी। ये काम बढ़िया किया। अब अपन लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाई ये तो पेपर की चाबी है। पेपर की चाबी? वेलकम टू लेवल 2। बुक के अंदर की है, लेकिन बुक ग्रैनी के रूम के अंदर है। गो एंड फाइंड इट। लेकिन देखना किसी की आवाज ना निकले। डोंट मेक एनी नॉइज। भूत के साथ गेम शो चल रहा है। कोई साधारण गेम नहीं है, हॉरर गेम है। अबे ये क्या है? यहाँ तो इतनी सारी बुक्स हैं। इतनी सारी बुक्स में वो चाबी कैसे ढूंढेंगे? ए, जरा धीरे बात करो, अगर आवाज सुन लेगी तो ग्रैनी आ जाएगी। चलो ढूंढना चालू करो। आ, 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 आ,
इंसान ने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई है। घर जाते वक्त ऐसी दो बुक उठा लूंगा। बॉस, ये जादुई बुक है बॉस। किसी भी बुक को खोलते ना। मेरा सिर कैसा लगा बॉस? पहले इसको साइड रख, चल उसको ढूंढ। ठीक है। बॉस क्या है बे? यहाँ पे कोई खड़ी है बॉस। कौन है? आके देख लो, देखो। ए, कोई तो नहीं है यार। और अभी तो यहीं पे थी। अरे कहाँ चली गई बॉस? अभी तो यहीं पे थी। बॉस ये बुक ले लूँ क्या? ए, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल चल ना। देने, देख नमूना इधर खड़ा है। मुझे गाड़ी से बाहर निकाल कर फेंका ना, तो बता गाड़ी कहाँ गई? मुझे दो गाड़ियों से बाहर निकाल कर फेंका, तू किसकी बात कर रहा है? आखिरी की गाड़ी ने फेंका ना, उसके आगे की गाड़ी कहाँ जा रही है वो बता। जहाँ पीछे वाली गाड़ी जा रही है वहीं वो जा रही है। तो पीछे वाली गाड़ी कहाँ जा रही है? हाँ, आगे वाली जा रही है वहीं वो जा रही है। आगे वाली कहाँ जा रही है? जहाँ पीछे वाली जा रही है वहीं वो जा रही है। ए पागल, वो दोनों गाड़ी एक ही जगह पे जा रही है क्या? हाँ भाई। जो पूछा वो बता। बता दूंगा तो तुम लोग धक्का मार दोगे। नहीं बताऊंगा। मैं धक्का नहीं दूंगा, चल तू बता। फ्रेंच कैसल में। मैंने मेरे को टाइट पकड़ ले। ओके। तूने भी तो भाई किया ना? तू जानता मैं कौन हूँ? सॉरी डॉग, समझ गया। अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पैदल ही जाता हूँ। ग्लू लिखा हुआ समझ में आ रहा है, पर आगे क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट इधर दिखा। हाँ, तेरी शादी का गिफ्ट है ये। क्या है? मैं भी तो ढूंढ ही रहा हूँ ना। जरा देखो, ये स्पेनिश है कि फ्रेंच है? नहीं नहीं, फ्रेंच नहीं है। कुछ समझ में आया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। नहीं समझ में आ रहा तो लिया क्यों रे? देखो चेक करो, इंग्लिश में होता तो समझ में आ जाता। समझ नहीं आ रहा है। पता French नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। French तो मुझे आती है। एक मिनट रुको, जरा एक मिनट, एक मिनट। 7th through 13th rank. What? जरा पीछे देखो। I know this. ये मेरा ट्रिक है। एक दूंगा ना। मैंने बताया तो जानकार बन रही है। 7th through 13th rank. एक चलो 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 देखते हैं।
इतना क्यों डरा रहे थे? हो जाएगी। आराम से, नहीं तो मुख से आवाज आएगी। का काली पूरे घर पे चिपका। हम लोग क्या यहाँ परिवार पालने आए हैं? सबको मार देंगे और चले जाएंगे। चला। रुक जा। तू भी साथ में चलेगा कि बाहर मेरा इंतजार करेगा? तू सोच ले। नहीं नहीं मेरे साथ में चल तू। नहीं 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 रुक जा, तू इधर ही वेट कर। अच्छा तू यहाँ सामने वेट करेगा और वो बंगले के पीछे से निकल गई तो? देख मेरा माथा काम नहीं कर रहा है, तू मेरे साथ में चल। चला जा। लिखा हुआ है। ये एग्जिट डोर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इन तीनों डोर्स में चाबी डालने की जगह ही नहीं है, तो एग्जिट डोर तो कहीं और होगा। तो अब हम बाहर कैसे जाएंगे? एग्जिट डोर की तो मिल गई है, लेकिन एग्जिट डोर कहां पर है? हाँ, which way do we go? देखने यार, तो इंग्लिश में गाना गा रहा है। अबे वो इंग्लिश फैमिली से बिलोंग करता है तो इंग्लिश ही गाएगा, हिंदी थोड़ी गाएगा। क्यों अपना दिमाग लगा रहा है यार? Which? Sir, which? One clue, please. Clue? भूल भुलैया का दरवाजा मिलेगा, वो रास्ता भटकाने के लिए, और इस रास्ते में जान का खतरा भी है। ये है लेवल 3 में। अपन साथ में ढूंढेंगे कि अलग अलग? अगर मैं बोलूंगा साथ में ढूंढने के लिए तो पक्का छोड़ देगा। चल साथ में ढूंढते हैं। चल ठीक है, आजा। आज बात कैसे मान गया? नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, मैं इधर ढूंढता हूँ, तू उधर जा। वो तो पता था। अरे रुक जा। अरे तू इधर जा, मैं उधर जाता हूँ, तो वो जल्दी से मिलेगी। जल्दी जाता हूँ तो दिमाग चलेगा। इतनी जल्दी चला गए? अगर हम अलग अलग ढूंढेंगे तो एग्जिट डोर जल्दी मिलेगा। तो चारों तरफ दरवाजे हैं यार, कौन से दरवाजे से जाना है? बॉस, हाँ। यहाँ से बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक राबची का आइडिया है, प्लीज कोऑपरेट। कपड़ा है बॉस का, क्या करेगा? बेकार में इतना डरते हो, ये बन गया अपना मार्ग। अबे रेडी हो ना बॉस। ए
अभी तू कर क्या रहा है? बॉस, हम जिस किसी भी दरवाजे से जाएंगे वहां पर ऐसा मार्क बना देंगे, इससे हम दोबारा एक ही रास्ते से नहीं जाएंगे और फिर ऐसे हमें सही रास्ता मिल जाएगा, क्या बोलते हो? अरे छोड़ो ना बॉस, इतना दिमाग होता तो यहाँ थोड़ी ना फंसते। आ जाओ मेरे साथ, निकाल दो आपको यहाँ से। चलो चलो मेरे साथ आओ। भाई हम बाहर क्यों जाएंगे? तुझे बाहर जाना है? अबे बाहर छोड़, मुझे तो लगता है हम इसी भूत बंगले में मरने वाले हैं। वो देख, वहाँ किसी ने मार्क बना के रखा है। ए, और कौन रखेगा? सतीश ने रखा है ताकि हम रास्ता ना भटके और सही रास्ते भी चले। तू एक नंबर का घोंचू है, चुपचाप उठा। चल चल ठीक है, देख देख ये भी के हीरो को मारेगा और तू सिर्फ इसको बचाएगा। इसको तो मैं मारूंगा। ले चल तू मार दे। तेरा दिमाग खराब है? अभी तक इसका हीरो नहीं है, इसको पहले कैसा मारूं? पहले इसके हीरो को ढूंढ, उसके सामने इसको मारूंगा मैं। चला चल। अरे रे ए मधी, इतना उतावला क्यों हो रहा है? जहां तू जाएगा वहीं ये जाएगी क्या? हां अब क्या करना है? ये ले इसका हाथ बांध दे। ये ज्यादा क्या है? अरे देख क्या रहे, एकदम नया रुमाल है, मैंने बस अपनी नाक पोंछी है। क्या तू नाक नहीं पोछती क्या? तू हाथ बांध रहे? हाथ बांधूंगा तो पैर तो फ्री रहेगा ना, अगर ये भाग गई तो। हाँ तो फिर पैर बांध देना। पैर बांधूंगा तो हाथ तो फ्री रहेगा ना, आराम से खोल लेगी। अंकल मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, आप लोग जाकर ढूंढिए। हाँ प्लीज। देखा ना मधी, मैं तेरे साथ में हूँ ना, तो ये मुझे भी बेवकूफ समझ रही है। इसको पीछे पीछे ला, वही अच्छा रहेगा। आ जा। इसको समझा कर कोई फायदा नहीं। बता दे वो कहाँ है, वरना जबान काट लूंगा तेरी। अंदर लेके आ। तूने मुझे धोखा दिया। देख रहा है मधी कैसे स्टाइलिश हीरो की तरह खड़ा है? लग रहा है अकेला ही हमसे लड़ेगा। मधी तू रोज मुझे ताना मारता था कि जिम जाता है, चल अभी तेरे लिए फाइट सीन आ गया है, अपना परफॉर्मेंस दिखा। तू साइड में आ रहे, बहुत हो गया तेरा नाटक। देख भाई बिन्नी, एक लड़की के लिए अपन का लड़के मरना अच्छा है क्या? तो क्या
तो तू मर जाना। ए! अरे मजाक कर रहा था। चल अपन दोनों एक कंपटीशन करते हैं, अगर तू कंपटीशन जीत गया ना तो यह लड़की तेरे से शादी कर लेगी। अगर तू जीता तो भी ये तुझसे शादी कर लेगी। कुछ भी हो लड़की मेरी होगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ। दोनों में तेरा ही फायदा है, तुझे शक नहीं हो रहा है? ए, तू बिना काम के मुझे कंफ्यूज मत कर, ये बराबर बोल रहा है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बोल क्या करना है। फिर तू एक मस्त रापचिक गाने पे डांस करके बता, ठीक है? ए, अपन तो खानदानी गाने बजाने वाले, मुझसे कंपटीशन करेगा? मधी चल चालू हो जा। बॉस, आपके पास अभी भी एक चीज है, वो आप मुझे प्यार से दे दीजिए बॉस। हाँ? मैं अपना शर्ट नहीं निकालूंगा। शर्ट किसको चाहिए बॉस? मुझे तो आपकी शर्ट नहीं चाहिए। इज्जत चाहिए या जिंदगी? दोनों चाहिए। हाँ, अब ऐसी पोजीशन बनाए रखना। आ जाओ, अब इस चट्टी से हम अगला मार्ग बनाएंगे। अबे इसे कैसे लेके चलूं? ए बॉस, अभी तू कहाँ घुमा रहा है? यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। रास्ता तो खत्म हो गया। ये देख, सतीश ने अपना बरमुडा भी निकाल लिया। ये तो मेरे साइज का है, मैं पहनूंगा। अबे कोचू, उसने बरमुडा निकाला है रास्ता दिखाने के लिए, तो इसे तू कैसे पहन सकता है? इधर ला, मैं धोके पहन लूंगा। कितना बड़ा पागल है रे तू। फॉलो मी। तू मुझे फॉलो। अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ मैं नंगा खड़ा हूँ और तू वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहा है? अगर मेरी चड्डी नहीं मिली ना तो मैं तेरी चड्डी खींच लूंगा। बॉस, आपकी चड्डी जहाँ पड़ी है ना वहीं से उठा लेता हूँ। यहाँ से मेरी चड्डी कहाँ गई? कहाँ गई? वो रही आपकी चड्डी। इन नमूनों को देख, हाईवे पे हाथ दिखा के लूटने वाले लगते हैं, है ना? हाँ यार। ए, हमने जो कपड़े लगाए थे निशानी के लिए वो तुमने उठा लिए क्या? ला ये सब इधर दे। पहले मेरी चड्डी मांगो से, पकड़े पकड़े मेरा हाथ दुख रहा है। पहले इनकी चड्डी दे दे यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? इसे कोई चड्डी कहता है? ये बरमुडा है। ए, तुम्हारे लिए जो बरमुडा है ना वो मेरे बॉस के लिए चड्डी है। अगर ये चड्डी इसकी है तो प्रूफ क्या है? बॉस मान नहीं रहे। बॉस, तू मेरी चड्डी देगा कि नहीं देगा? मैं जान बचाने के लिए छुपा हूँ, तुम लोग चड्डी के लिए लड़ रहे हो। चाहो तो मेरी चड्डी लेके जाओ, लेकिन चुप रहो यार। अरे बाप रे, छोटी भूतनी आ गई। मैं दोबारा तीर लगाऊंगा। हीरो हीरोइन को बचाता है तो इंग्लिश पिक्चर में किस मिलता? लेट्स गो। क्लाइमेक्स में खत्म। गेंडा। सॉरी बॉस, मैं स्लिप कर गया। भागो। सॉरी, ये तो रॉन्ग एंट्री है। तू कौन है राइट एंड रॉन्ग बोलने वाला? जो दुनिया के लिए रॉन्ग होता है वो मेरे लिए राइट होता है। ग्लोरी, इसने रूल तोड़ा है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। अंदर आओ, तुमको थोड़ा मजा दिखाता हूँ। Thank you.
इतनी छोटी सी जगह पर तूने मुझे 10 बार घुमा दिया खोजू। अगर हाथ लग गया ना तो ऐसा डीजल ऑटो की तरह साउंड आएगा, समझ जाना। डीजल ऑटो आ रहा है। कौन चिल्लाता है यार, वो बुढ़िया आ जाएंगी ना, नहीं पता। हाँ हेलो सर। कौन है बे, सामने आकर बात कर। अबे ऊपर देख, क्या बे, सब लोग यहाँ वहाँ छुपे हैं, तू कितनी बार दरवाजा खोलेगा बंद करेगा। अबे मेरी पैंट फट गई यार। अबे टकले, कौन है तू, क्यों चमगादड़ की तरह दीवार पर चिपक कर बैठा है? तू भी मेरे हाथ से ही मरेगा। तुम लोग मेरा पैसा लेकर भाग नहीं सकते, कोरोना वायरस से भी खतरनाक हूँ मैं। डीजल ऑटो को पता नहीं है कि इसके पीछे ओमिक्रॉन वायरस खड़ी है। अब तू कौन है रे, मुल्तानी मिट्टी मुंह पर पोत कर खड़ी हो गई। इसी की वजह से हम लोग छुपे हैं। अरे तू इधर क्यों देख रही है, तेरी मुंडी दर्द करेगी ना, चल पहले उसको निपटा के आ। आपके घर का सारा पैसा मैंने लूटा, लेकिन वो पूरा पैसा ना मुझसे ये टकला लेके भाग गया। लेकिन मुझसे वो पैसा वो लड़का चुरा लिया। अनबरसन सर, वो दोनों टकले जो बात कर रहे थे ना, वो सही कह रहे थे कि पैसे हमने लूटे हैं, लेकिन अब वो सारे पैसे उस भूतनी के पास हैं। गेम खेल के जीतोगे ना तो 50 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। 50 गुना, ये मैटर है क्या, मैं खेलूंगा गेम। रुक, मैं भी चलूंगा। जीत जाओगे तो पूरा पैसा तुम्हारा। एग्जिट डोर भी मुझे मिल चुका है। दे, वो सब तो मैं समझ गया। ये क्यों मुझे रॉन्ग एंट्री बोल के मार रही है? अरे इसे मरने दो, चलो निकलो। लेकिन वो बेचारा, मैं अकेले खेलूं। चलो इस तरफ आ जाओ। अरे बाप रे बाप। मैंने मदी मिले? मधे, तू यार मुझे कितनी खतरनाक जगह पे लेके आए। मैं किधर आया, तू मेरे को लेकर यहाँ आया? अरे मधी, यहाँ पे क्या चल रहा है तुझे पता है क्या, जानलेवा गेम चल रहा है यहाँ पर। अबे मुझे धक्का मार रहा है, अभी बचा।
वेलकम टू द फाइनल लेवल, विन और रन। और अब क्लारा दो कार्ड फेंकेगी, एक कार्ड पे विन आएगा, दूसरे पे रन आएगा। अगर वो विन आया तो यू आर द विनर, सारा प्राइज आपका होगा। लेकिन रन आया ना? मुझे लग रहा है ये जो गेम हो रहा है वो तेरे घर के पैसे से हो रहा है। चला अपन लोग भी चल के गेम खेलते हैं। अरे बदी रुक, इस गेम को खेल के इतने आसानी से जीत नहीं सकते। इस दीवार पे क्या लिखा है तू पढ़ सकता है क्या? अबे मेरे को हिंदी बराबर नहीं आती, फ्रेंच इंग्लिश मेरे को क्या समझ में आएगी। ठीक है मैं पढ़ता हूँ, सुन। पढ़। क्लारा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, वन डे शी ब्रोक द रूल्स ऑफ द गेम। क्लारा लेट्स स्टार्ट विद अ रन। के बाद जिसके भी आगे ये बीच की उंगली रुकेगी, आप में से उसे मिलेगा पहला चांस और वो जीत के जाएगा यहाँ से सारा मार। अगर तुमने जो चिट्ठी उठाई है उसमें रन लिखा है तो उसे थोड़ा मसल देना, तब नेक्स्ट राउंड में जो मसला नहीं रहेगा उसे मैं ले लूंगी और विन करूंगी और अपनी फैमिली को बचा लूंगी। जब किसी के पास पैसा आता है तो बदल जाता है, लेकिन तुम हो कि मुझे फंसाना चाहती हो। हार गए तो पैसे किस काम के? बॉस इस लड़की का आइडिया आपको बहुत पसंद आया, सुपर लगा, अभी आप ट्राई कीजिए ना। हाँ तू जाकर ट्राई कर। पैसे की बहुत लालची थी, कोई भी गेम न जीते इसलिए दोनों कार्ड पे रन लिख के रखी थी। पर एक दिन What is this, Clara? You saw that? You know why I'm in this psycho family? Money, this luxurious lifestyle. And you think I'm gonna give up all of that because your father is giving money to all of them for winning? Is this? If my dad will know all about you, he will kill you. You don't worry, I'll take care of it. But how?
वो झूठी लड़की ने अपने ससुर के साथ घात किया, उन्हें कुछ भी पता नहीं। ओ माय गॉड, क्रिस्टोफर, व्हाट हैपेंड? क्रिस्टोफर ने रूल ब्रेक किया, पार्टिसिपेंट को भगाने में हेल्प कर रहा था। क्रिस्टोफर, रूल इज अ रूल, रेस्पेक्ट द रूल। नाउ गो टू हेल। क्यों मदी? सच जानने के बाद क्लारा अपने पति को मार सकती है, अब तो सच हम दोनों को पता है, अब वो मुझे भी मार देगी क्या? ए पागल, जब से तूने बताया है मुझे भी डर लग रहा है, मैं भी तो साथ में मरूंगा ना। चल ना, यहाँ से चलते हैं। पक्का मरोगे, मैं वहां जा रहा हूं, पीछे पीछे आ जाओ। ओ, अब आखिरी दो पार्टिसिपेंट्स। और अब तुम इसके लिए खेलोगी या ये मजनू तुम्हारे लिए खेलेगा? हाँ क्लारा, चलो गेम शुरू करो। ए प्रेम मैन, अब इसकी चिंता छोड़ो यार, तुम आओ और खेलो। मैं पढ़ूं उससे अच्छा है कि तुम ही मुझे बता दो, तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगेगा। अगर ये कार्ड तुमने पढ़ा तो तुम्हें खुद ब खुद पता चलेगा कि मेरे मुंह में कौन सा कार्ड गया। रन? इसका मतलब तुम्हारा वाला कार्ड था विन? ए, यू आर द विनर! या! जीत का जश्न मनाने से पहले मैं अपना भी पत्ता खोल लेता हूं। ये भी रन है। रन है और क्या, 3 बॉल पे 5 रन। अबे भुने हुए चिकन, मुझे किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा तो मैं मजाक बन जाऊंगा। चीटिंग से तूने कितने लोगों को मार दिया, बार बार क्या कहता था, रूल इज रूल, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द रूल। अबे जंगली सुअर की तरह कब से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अब कहां गया तेरा रूल? अबे चीटर है तू। अरे अब तेरी चालबाजी मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलने वाली। नो, नो, नो।
My son doesn't do that. Something went wrong. प्रणाम ग्रैनी माँ। हाँ, एक मिनट रुको, मैं खुद वहीं पे आता हूँ। अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने की बजाय हाथ में ये कुल्हाड़ी लेकर घूम रही हो। अरे तुम कौन से टाइप की माँ हो? एक घूमा ना। अरे फर्नांडिस, तेरी माँ का तो हृदय परिवर्तन हो गया। ए, रुक आ रहा हूँ। तेरी उम्र की बच्चियां ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं और तू यहाँ धनुष बाण लेके सबको निपटा रही है। अगर तू मेरे घर पे पैदा हुई होती ना तो कान के नीचे चपेटा देके घर से बाहर निकाल देता तुझे। और रे 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 रे, सारी की सारी फैमिली सब चीटर, सब के सब फ्रॉडी लोग हैं। अरे तुम लोगों पे भरोसा करके मैंने ये गेम खेला, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अगर तेरे पास टाइम है ना तो स्क्विड गेम देख ले, वो भी उम्र में तेरे से बड़े हैं, जीतने पर जेन्युइनली पैसा दे देते हैं। तेरी तरह चीटिंग करके मारते नहीं है लोगों को। अच्छा, सब लोग मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या लगता है मैं ताना मार रहा हूँ? मुझे पता है तुम सब लोग मिलके मुझे मार दोगे, लेकिन इतिहास ये जरूर याद रखेगा कि मैंने तुम सबको सबक सिखाया था। ए फर्नांडिस, तेरी स्टाइल में बोलता हूँ, आई एम रेडी। अरे फर्नांडिस, अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि तुम बच्चे की तरह रोने लग गया? कुछ गलत बोल दिया क्या? रूल इज अ रूल, यू आर द विनर, ऑल मनी बिलोंग्स टू यू। वो हाँ, ले लो मनी ब्रेन मैन, अब ये सब तुम्हारा है। क्लारा, अब तुम रूल ब्रेक करे। मैं किसी को जीता नहीं देख सकती। क्लारा, no trace your voice. Then there is my voice. Shut up. You shut up. Shut down on us. चलो।
पूछे थे। मस्ट वॉच, स्किप नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। Where is the money bag? Oh, money bag? वहाँ देखो क्या है? पागल, क्या पूछती है? वो सब फालतू है। अच्छा यार, पैसे का बैग किधर है? अच्छा, वो वहाँ देख क्या है? तू नहीं पूछेगा? पागल हो गए हो क्या? बाहर निकल आए यही काफी है। समझ गया ना, तुम सब पैसों के भूत हो। जान बच गई तो इससे बड़ी और क्या चीज है। चलो कपड़े भेजे होंगे लॉन्ड्री के लिए। चल उठा ले जल्दी से। All the best prepared. चलो पैसे हाथ में। अबे तुम भी साइड करो। जी देखो तो। सतीश, ये पैसे तो हम गेम खेलकर जीते हैं ना। एक काम करो, पहले इनसे दोस्ती खत्म करो और कहो कि भाड़े की टैक्सी से घर चले जाए। पैसे आते ही तुम फ्रेंड्स को छोड़ने की बात कर रही हो। अब ये लोग भाड़े की टैक्सी में जाएंगे क्या? पता भी है कि हम लोग कब के दोस्त हैं? कोई बात नहीं, ये लोग पैदल भी जा सकते हैं। तुमको क्या लगा मैं ये बोलूंगा? तू ये उठा और तू ये उठा और कार में रखे, यहाँ से निकल जाना। देखा ना, लड़की मिलते ही हमें भूल गया। कोशिश तो कर रहा हूँ। मुझे तो लगा हम छूट गए, हम फिर फंस गए क्या? ए, ये क्या बिल्ली की तरह सस्ता भूत बन के आ गया? ए, लड़की भी तुझे मिल गई, पैसा भी तुझे मिल गया। हाँ। मेरी एक हेल्प करेगा क्या? मेरे और पापा के कफन को माँ के पास ले जाएगा? माँ रो रही होगी। एंड में कॉमेडी मत कर, चल निकल। ए, अगर तू नहीं करेगा तो सेकंड पार्ट में बहुत सताऊंगा। अबे ऑलरेडी थर्ड पार्ट है, हमने नाम बदल दिया। चल निकल।